यूनिट 5 तक हिस्ट्री के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट 6, जिसमें हम बात करेंगे आपके किंगडम की किंग्स और उसके जो भी अर्ली रिपब्लिक्स हैं वो सब कुछ हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल अब यहाँ पर आपके आयरन एज की शुरुआत हो गई है, यानी अभी तक हमने जो चैप्टर्स कवर किया वो हमारे सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की बात थी, लेकिन आज से जो हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आप देखोगे जो किंगडम आपके बने, एम्पायर जो बने उससे रिलेटेड हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे कि आप सभी को यहाँ पर ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारे सीटेट जो का जो एग्जाम है वो दिसंबर में, पूरी यहाँ पर अपडेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइम आपके पास बहुत कम है, तो इसीलिए अब हमारे को सब कुछ करने से अच्छा जहाँ से हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको कवर करना है। तो हमारे सीरीज में बने रहिए, उस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर। तो यहाँ पर अब बात की जाएगी कैसे यहाँ पर लोग राजा बने, मोनार्की, यानी यहाँ पर आपके राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में पहले भी मैंने आपको बताया जो हमारे जन, यानी जन का मतलब होते जो लोग हैं, अराउंड आज से 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हमने देखा था कि उस टाइम पर जो कुछ रूलर यानी राजा हुआ करते थे वो लोग आपके कुछ क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, जिसमें से एक होता है हमारा अश्वमेघ यज्ञ, सभी को पता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, ये आपको एक हॉर्स सेक्रीफाइस होता है। तो इसमें पूरी यही चीज़ें बताइए कि अश्वमेघ यज्ञ में क्या चीज़ होती है। तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें हॉर्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है फ्रीली, और ये और यहाँ पर क्या होता है, ये हॉर्स जहाँ जहाँ भी जिस भी जगह पे जिस एम्पायर पे वो जाते रहेंगे वो सारे एम्पायर क्या हो जाते हैं, राजा के हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे राजा ने यानी किसी दूसरे साम्राज्य के रूलर ने इसको आपके क्या करा, इसको रोक दिया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो आपके हॉर्स को वहाँ से जाने से अगर रोकेंगे तो उसके बाद आपके मान लो कि ये ए कोई आपका साम्राज्य था, उन्होंने अपने हॉर्स को छोड़ा है और वो बी वाले एम्पायर पे पहुंचे, किसी दूसरे राजा ने अगर इस घोड़े को रोक दिया तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आपके किंग को क्या करना होगा, आपके इस दूसरे वाले रूलर के साथ लड़ाई फाइट करना होगा, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें हमें फिर जाके वो उस एम्पायर को जीतेंगे, ये कुछ चीज़ें आपको आपके अश्वमेघ यानी हॉर्स सेक्रीफाइसेस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो ऑर्डनरी पीपल हैं विश यानी जो वैश्य है, ये हम ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब आते हैं आपके मेन चीज़ें जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी 4 वर्ण सिस्टम, इसके बारे में आप सभी जानते हो कि टोटल वर्ण हमारे कितने होते हैं 4, और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आपकी नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई थी। स्पेशली आप देखोगे आपके जो गंगा और यमुना के बारे में जो एरिया उसमें सबसे ज़्यादा कवर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि जब हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, तो उसके बाद लोग आकर यहीं पर सेटल हुए थे। तो इस ये सब इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, और ये आपके ऋग्वेदिक के बाद ये कंपोज हुआ था, जिसको आप अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हो। और हम पहले ही कर चुके हैं कि टोटल आपको कितने वेद देखने को मिलते हैं, 4, जिसमें से एक ऋग्वेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये कंपोज करने वाले कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम पर प्रिस्ट होते थे, वो सभी आप ये चीज़ें यहाँ पर देखते हो। इसके अलावा सोसाइटी और दूसरे ग्रुप्स भी रहते हैं, लाइक आपके प्रिस्ट और वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग और ये सारे लोग जितने भी, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी पर्सन है ये सब क्या होते थे, रिच हुआ करते थे। लेकिन अगर इसमें हम हर्डर्स की बात करें, आपके क्राफ्ट पर्सन की, लेबर की, फिशिंग की, हंटिंग गैदरर की, ये लोग क्या होते थे, आपके पुअर होते थे। और फिर इन्होंने आपके वर्ण सिस्टम में बताया कि जो पहला वर्ण होता है सबसे टॉपर होता है, आप सभी को पता है, उसमें ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, यहाँ पर आपके गिफ्ट को रिसीव करते हैं, मतलब वो गिफ्ट कौन देता है, क्षत्रिय देते हैं। क्षत्रिय आपके सेकंड प्लेस पर आते हैं, जो कि रूलर्स होते हैं, नॉबल्स होते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और वो आपके क्या करते हैं, गिफ्ट किसको देते हैं, ब्राह्मण्स को दिया करते हैं। और थर्ड नंबर पर आपके वैश्य आते हैं, जिसमें आपके फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स होंगे, और लास्ट में कौन होते हैं, आपके शूद्र, है ना। तो शूद्र आप लास्ट कैटेगरी में देख, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो शूद्र में हमने क्या देखा, तो शूद्र सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि आपके कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। इवनली वुमेन और शूद्र दोनों को ही वेद पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया था हमारे एग्जाम में, सीटेट के स्टेटमेंट में बहुत कई बार हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो 4 के बाद लास्ट जो होता है ना वो अनटचेबल होता है, यानी शूद्र से नीचे भी जो कैटेगरी मानी जाती है वो अनटचेबल यानी अछू अछूत होते हैं, जिन्हें आप और किसके नाम से जानते हो, चंडालास के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये इन्हें इन ग्रुप्स को बहुत पॉल्यूटिंग ग्रुप माना जाता था, और इसीलिए हमारे जो वर्ण सिस्टम है इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जनपद की। अभी हमने जन के बारे में पढ़ा था, यानी जो लोग हैं जो आपके सेटल हो जाते हैं, तो जनपद की शुरुआत यहाँ पर हुई। उससे पहले हम जो साइड में आपके इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हो, ये आपका एक पेंटेड ग्रे वेयर है, ये प्लेट्स और बाउल्स आपको देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन वेसल था उस टाइम पर, और ये फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ और सरफेस आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। और ये स्पेशली आपके किसी ओकेजन के टाइम पर यूज़ किया जाता था, जब किसी कोई भी स्पेशल फूड सर्व करना तब, ठीक है। और जनपद की बात अभी हमने यहाँ पर देखी कि राजा क्या करते हैं, आपके बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, और फिर वो क्या करते हैं, आपके जनपद आपके इधर देखो, जन का मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं फुट, ठीक है।
जन मतलब आपके क्या होता है, जन पद, जन मतलब आपके लोग होते हैं, और पद मतलब जहाँ पे उन जो फुट जो सेटल डाउन, यानी कि अब जो लोग घूम रहे थे अब वो क्या हो जाते हैं, आप एक जगह सेटल हो जाते हैं। और जनपद के लिए यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक आपका पुराना किला जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश में। और जहाँ पर लोग जो है आपकी झोपड़ियों में रहा करते थे और अपने साथ साथ कैटल्स को भी और दूसरे जानवरों को भी रखते थे। इसके अलावा ये बहुत सारी वेराइटीज़ की फसल भी उगाते थे, लाइक आपके राइस, वीट, बार्ले, पल्सिव, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम के जो बर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो किसके बने हुए होते थे, अर्थन पोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये कौन से कलर के होते थे, ग्रे, ये वाले बॉक्स को आप में से किसी को भी स्किप नहीं करना है, हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो अदर जो दूसरा कलर आपको देखने को मिलेगा वो रेड, यहाँ पर कलर ग्रीन, ब्लू, कुछ भी मेंशन होगा, बट राइट आंसर क्या करना है, कलर, सॉरी, ग्रे जो कलर है और रेड कलर। फिर दूसरा, आप अगर हम आपके पोट्री के टाइप्स देखेंगे तो एक मैंने आपको बताया पेंटेड ग्रे वेयर, उसके बाद उस टाइम के जो आपके पोर्ट्स होते थे ग्रे पोर्ट्स, हेड पेंटेड डिजाइन, यूजुअली सिंपल लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न, कौन सा पैटर्न है, ज्योमेट्रिक पैटर्न था, ये भी हमें चीज़ें याद रखनी है। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वन वर्ड में नहीं होगी, आपको स्टेटमेंट में होगी, तो स्टेटमेंट के लिए जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट अंडरलाइन कर रखी है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप इस वीडियो को देखकर वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली हाईलाइट कर लो। आपको अपने एग्जाम के टाइम पर सिर्फ यही चीज़ें कवर करनी है आपको, ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ईजिली से सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए जनपद की बात हो गई, महाजनपद की बात करते हैं, आज से 2500 साल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ जनपद जो है बताया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे दूसरे जनपद के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर सबकी खुद की क्या होती थी, कैपिटल हुआ करती थी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी थी जो कि फोर्टिफाइड थी, और जहाँ पर बहुत बड़े बड़े दीवारें हुआ करती थी, और वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन की, इससे बनी हुई होती थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देन आप ये मैप को देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि टोटल कितने महाजनपद होते हैं, 16 महाजनपद होते हैं आपके, गांधार, तक्षशिला, कुरु, है ना, हस्तिनापुर, पांचाल, कोशाल, आपका अवंती, उज्जैन, राजगढ़, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, ये सारे क्या हैं आपके 16 महाजनपद में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यहाँ पर आपको फोर्ट्स यानी आपके किले बनाए, तो उस टाइम पर जो आपके जो किले बिल्ट होते थे क्यों होते थे, क्योंकि आप यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस समय हमारी क्या हो रही है चीज़ें, एक्सपेंशन, यानी जो रूलर है वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो सामने वाली टेरिटरी को कॉन्कर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर वॉर हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि सामने वाला भी उस रूलर पर अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो एक डर होता है ना सामने वाले से, तो इसीलिए वॉल को बनाया जाता है ताकि वो प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे कि बिल्डिंग उस समय कितनी बड़ी बनाई जाती थी, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल, पूरे शहर में आप ये चीज़ें देखोगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉर बैटल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर हमें फोर्टिफिकेशन देखोगे, जो फोर्टिफिकेशन वॉल है कौशाम्बी में, फोर्टिफिकेशन वॉल आपको कौशाम्बी में देखने को मिलेगी, और ये वॉल आपकी ब्रिक्स, ईंटों की बनी हुई होती थी, जो आज प्रेजेंट डे में हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। और आपके उस टाइम पर ये कौन सा टाइम पीरियड है, अबाउट आज से 2500 ईयर्स को, यानी 2500 साल पहले आप सभी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर कुछ नए नए राजाएं जो रूलर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, कि इन लोगों ने अपनी आर्मी को मेंटेन करना स्टार्ट करा, और अब हम यहाँ पर आर्मी रखेंगे तो ऑब्वियस है कि उन्हें हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाती थी, जो कि पूरे साल भर का जो मेंटेन वो राजा ही रखता था, क्योंकि अब मैंने आपको वैदिक पीरियड में बताया था कि उस टाइम पे आपकी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी आयरन एज के टाइम पर, यानी जब हमारा साम्राज्य बना था तब ये चीज़ हम देखते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बात करते हैं टैक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब से हमारे महाजनपद के रूलर हैं, जब इन्होंने आपके बड़े बड़े किले बना लिए और आपकी आर्मीज को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, तो अब इन्हें क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी, तो और फिर उतनी जरूरत होगी ना हम उसको कलेक्ट कर सके, तो ये लोग क्या करते थे, आपके टैक्सेस भी करते थे कलेक्ट। तो अभी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपको बाली और भाग, ये कुछ टैक्स याद रखो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भाग टैक्स के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/6 पार्ट यहाँ पर देना होगा, टैक्स देना पड़ता है उसको, बाली, सॉरी, भाग कहते हैं। बाली कौन सा टैक्स होता है, ये आपका रिलीजियस टैक्स होता है, टैक्स भी याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बाली आपका रिलीजियस टैक्स होता है। भाग क्या होता है कि आपको 1/6 जितना भी प्रोडक्शन उत्पादन होगा उसका 1/6 पार्ट हमें टैक्स में पे करना होता है। तो टैक्सेस आपके क्राफ्ट पर्सन पे भी लगता था, हर एक काम पे, जो वीवर्स हैं, आपके स्मिथ हैं, जो हर महीने काम करते हैं राजा के लिए, सब पे, आपके हर्डर्स पे भी आप वो भी टैक्स पे करते थे। ओवरऑल आपकी सोसाइटी में जो जो रहेगा सबको टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्सेस आपके गुड्स पे भी लगते थे। हंटर गैदरर्स भी यहाँ पर क्या करते थे, ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं कि हमारे कृषि में क्या बदलाव आया, तो दो इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। पहला है कि अब आपके आयरन प्लो शेयर का यूज होने लगा, यानी कि अब जो ये टूल्स यूज किया करते थे वो आयरन का होता था, यानी जो अब ये हल जो आपका प्लो है इसका जो उपयोग होता है, अभी तक वो आपके स्टोन का था, फिर कॉपर का हुआ, फिर ब्रोंज का हुआ, लेकिन अब किसका होगा, आयरन का, जो कि बहुत हैवी होता है, क्ले सॉइल थी, तो अब क्या होगा कि ये बाकी अदर टूल्स के कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो इसके क्या होगा, आपके वुडन प्लोशेयर के कंपैरिजन में ये बेटर था, जिससे क्या होगा, अब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो दूसरा है कि लोगों ने आपके ट्रांसप्लांटिंग पेडी
की शुरुआत की थी। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि अब क्या होगा कि हमारे टूल्स बेटर हुए तो उसके वजह से यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। प्रोडक्शन अच्छा होगा तब आपके गुड्स अच्छे होंगे, तो मार्केट में हम बेचेंगे उतने अच्छे पैसे भी आएंगे, तभी तो ये आपके फोर्ट्स किले बन पा रहे हैं, हम आर्मी को पैसे दे पा रहे हैं, तभी ये सारे काम हो पा रहे हैं ना। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपके स्लेव्स मैन एंड वुमेन जो दास और दासी कहलाती हैं, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर जिसको हम कर्मचारी कहते हैं ना, कर्मकार, ये भी वर्ड याद रखना, आपके एग्जाम में ये वन वर्ड में भी आप पूछा जाता है कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके मगध से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगध से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा ही जाता है। तो 16 महाजनपद में से एक आपका इंपॉर्टेंट जो है वो मगध ही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये याद रखना, देखो यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी जो फ्लो थी, जिसमें से एक आपकी गंगा और सन रिवर थी। और दूसरा कि ये मगध इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वाटर सप्लाई अच्छा है, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, यहाँ की जो भूमि है वो बहुत अच्छी उपजाऊ आपको देखने को मिलती है। हमारे जो मगध का ज़्यादातर जो पार्ट है वो कैसा है, फॉरेस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर इनके पास एलिफेंट भी है जो कि आपके यहाँ फॉरेस्ट ये कैप्चर करके लाते हैं और ट्रेन करके आर्मी के लिए, क्योंकि आपको पता ना बैटल्स में एलिफेंट हॉर्स इन सब का यूज़ किया जाता था। और उसके बाद जो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड, आपको पता है जंगलों से लकड़ियाँ मिलती हैं तो उससे लोग अपने घर बनाते थे, कार्ट्स यानी शिप, अब वो सब ट्रेड करेंगे तो कार्ट्स बनाने पड़ेंगे ना, और चैरियॉट्स। तो ये आयरन और माइंस की भी शुरुआत आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इन लोगों ने सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स होता है। तो मगध के सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर, देखो हमारे साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हुई थी, मगध के तीन एम्पायर जो थे इसके रूलर आपके बिंबिसार, अजातशत्रु और एक और है, यस, महापद्म नंद। तो ये नंद डायनेस्टी के ये रूलर थे जो आपको याद रखना है, और ये आपके हरियंग की डायनेस्टी के थे। ठीक है, हरियंग डायनेस्टी आपको याद रखना है। मगध की कैपिटल कई बार पूछी जाती है तो वो है आपकी राजगीर, और ये भी याद रखना कि ये मगध ने अपना जो विस्तार है कहाँ पर किया था, नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट जहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में जो एंटर करते हैं ना ये वाला एरिया, यहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया था। राजगीर इसकी पहली राजधानी है, बहुत समय तक रही बिहार में, आप ये देखोगे। उसके बाद ये कैपिटल जो है आपकी शिफ्ट कर दी गई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पटना। तो ये आपके एग्जाम में पाटलिपुत्र भी होगा, राजगृह भी होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध इज राजगृह है, जो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आज से 2300 साल पहले, ये पूरा पैराग्राफ जो आप सभी देख रहे हो, ये अलेक्जेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं आपको, सिकंदर के नाम से भी हम जिन्हें जानते हैं, तो सिकंदर याद रखना। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये जब कहाँ रहते थे, मैसिडोनिया यूरोप में रहते थे, और बहुत ही पावरफुल रूलर थे, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड को जीत लिया था, और ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, बट पूरे जगह को नहीं कॉन्कर कर पाए थे, खासतौर से आपके इजिप्ट और वेस्टर्न एशिया के पार्टों को कवर नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, तो कौन से नदी तक, आपके व्यास रिवर तक पहुंचे थे, लेकिन उनकी आर्मी ने मना कर दिया था उससे आगे जाने के लिए, क्योंकि वो थक चुके थे, अब वो और नहीं करना चाहते थे। फिर अलेक्जेंडर जो है वो वापस चले जाते, लेकिन वापस जाते जाते ही बीच में ही, यानी कहाँ पर, बेबीलोनियन, ठीक है, यानी मेसोपोटामिया की ही ये आपकी सभ्यता है, यहाँ तक ही वो पहुँचे, उसके बाद यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ हम देखते हैं, अलेक्जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर आप देखोगे हमारे एंशियंट इंडिया के सबसे बड़े जो रूलर है, सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो अलेक्जेंडर का ही था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मगध की ये सबसे पावरफुल साम्राज्य है वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली है। ठीक है, ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। वज्जी में आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक अलग तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको आप गन कहते हो, गन और संघ। गन और संघ का मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, गन का मतलब होता है इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स। तो इस ग्रुप, ये आपके गन क्या होता है, आपका एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। संघ का मतलब आपका एक संगठन होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर आपके गन संघ जो है, ये आपको वज्जी में जो हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो राजा है वो रिचुअल परफॉर्म करते, सब एक साथ होते थे और सभी लोग असेंबली में एक साथ मिलते थे, और यहाँ पर असेंबली में डिसाइड करते थे जो भी कोई भी जो टॉपिक होगा, चाहे कोई भी मैटर होगा, तो उसको सॉल्व करने का और कुछ भी डिस्कशन होगा वो सब कुछ इस असेंबली में इकट्ठे होकर के ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इसमें वुमेन दास, आपके जो लैंडलेस लेबर थे, ये लोग इस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, याद रखना, नॉट, आपके स्टेटमेंट में नॉट हटा दिया जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे, बट याद रखना कि उस टाइम पर जो शूद्र हुआ करते थे, वुमेन जो होते थे, इन लोगों को असेंबली में अटेंड करना अलाउ नहीं हुआ करता था। इवनली हमारे बुद्ध और महावीर, यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, गौतम बुद्ध और आपके महावीर, ये दोनों ही बिलोंग टू गन और संघ, किससे बिलोंग करते थे, गन संघ से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट ये पूरा बॉक्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो वज्जी फ्रॉम द दिग निकाय, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, यहाँ पर दिग निकाय बुद्धिस्ट की जगह जैनिज्म लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना जो दिग निकाय है ये बुद्धिस्ट की फेमस बुक है, इसमें बुद्धा की स्पीचेस के बारे में बताया है। आज से 2300 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। टाइम पीरियड भी याद रखना है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, पहले सिर्फ सीक्रेट में वन वर्ड का ही पूछा जाता था, लेकिन अब स्टेटमेंट में आते हैं और हमें मैक्सिमम चीज़ें पता होती है, लेकिन टाइम पीरियड में हम सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर 2030 की जगह 2527 2021 कुछ भी लिखा होगा, लेकिन राइट आंसर 2300 है। तो कोशिश करो कि टाइम पीरियड पर फोकस करो। अजातशत्रु और वज्जी के बारे में आपका ये कुछ पैराग्राफ है। अजातशत्रु जो ये चाहते थे वज्जी पर अटैक करना, उसके लिए इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा था,
तो वो मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है वो आपके वज्जी में यहाँ पर मिले, और एक पूरी असेंबली यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसमें दे हेल्पफुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, इन्होंने आपके रूल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए थे। रेस्पेक्टेड सपोर्टेड लिसन टू एल्डर्स, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, बड़ों की बातें सुननी चाहिए है ना, और रिस्पेक्ट करना चाहिए सारी बातें। वज्जी की जो वुमेन है वो यहाँ पर इस असेंबली को नहीं अटेंड कर सकती थी, बात आपको भी पता है। चैते को बहुत अच्छा खासा मेंटेन कर रखा था, आपके चाहे टाउन हो चाहे वो आपका विलेज, ये सारी बातें इस बॉक्सेस में बताई गई हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि हमारे जो राजा हैं पावरफुल किंग साम्राज्य के, वो कोशिश करते हैं कि वो इस संघ को क्या करते हैं, कॉन्कर कर पाएँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक, तिल कम से कम 1500 साल पहले तक के जो लास्ट जो गन हमें देखने को मिलता है उसको कॉन्कर किया था किसने, गुप्ता के रूलर ने। गुप्ता डायनेस्टी आई थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, बट एट दी एंड क्या होता है कि इसको कॉन्कर किया किसने, हमारे गुप्ता रूलर, गुप्ता डायनेस्टी आई ना उस टाइम पर, आप देखते हो। अब आपके लास्ट यहाँ पर बॉक्स देखोगे तो ये ग्रीक साम्राज्य के ऊपर है, ठीक है। एथेंस याद रखना, ग्रीक में एथेंस रूल करते थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि एथेंस ने अपना आज तो 2500 ईयर्स अगो यहाँ पर जो लोग हैं एथेंस के, उन्होंने अपनी सरकार को सेटअप किया था, डेमोक्रेसी लोकतंत्र लेकर आए थे, ठीक है। और ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वेल रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन, मतलब एथेंस के टाइम पर जो ग्रीक के लोग हैं अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो असेंबली होती थी दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स, मतलब साल भर में 40 टाइम्स यहाँ पर ये लोग मिला करते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर हुआ करता था उसमें सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। सारे नागरिक जो है इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई इनइक्वालिटी नहीं होती, या वुमेन मैन लोअर क्लास अपर क्लासेस सब कोई इस असेंबली को अटेंड कर सकता था, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। और लास्ट, हमारे हर चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ही, कि यहाँ पर हमें याद रखना है न्यू काइंड, जो हमारे नए तरीके के जो नए नए रूलर्स जो स्टैब्लिश हुए थे वो आज से 3000 साल पहले हुए थे। महाजनपद जो है ये आपके आज से 2500 साल पहले आपको ये देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर ने जो आक्रमण किया था इसको कंपोजिशन इसके बारे में दिग निकाय में आप देखते हो, ठीक है। और फाइनली जो गण संघ की समाप्ति एंड होता है वो आज से 1500 साल पहले हुआ था। हमारे 16 महाजनपद के बारे में जो सोर्स होता है याद रखना, इसके बारे में आपको अंगुत्तर निकाय में पता चलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय ये भी आपका बुद्धिस्ट टेस्ट है, जिसके अंदर आपके 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, याद रखना आपके एग्जाम में काम आएगा, सीटेट नहीं तो किसी और टेट या किसी और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, तो ये सब कुछ कवर करना है। और ये लास्ट में जो हमारे हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेट मेंशन है, इसको स्किप नहीं करना, अब इसे याद करना शुरू करो बार बार अगर आप इसको पढ़ोगे, और डेली मॉर्निंग में आपको इसको रिवाइज करना है, ताकि क्या हो, आप लोग इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, हाफ सेप्टेम्बर हमारा खत्म हो चुका है। तो कोशिश करो कि, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने आपकी इतनी हेल्प करी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है या फिर पीडीएफ है, उसमें जो भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई इसको हाईलाइट करके इसी को बार बार आपको पढ़ना है, बस यही आपके एग्जाम। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व, अभी मैं आपको यहाँ पर चैप्टर्स करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाऊंगी, तो क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, तो क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे।